अस्सलाम वालेकुम, आई एम हफ्सा फिजर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, 8th सेमेस्टर. टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट द टॉपिक व्हिच इज अबाउट फ्लावर हॉर्न फिश. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इनका इंट्रोडक्शन है. फ्लावर हॉर्न फिश का साइंटिफिक नेम जो है वो है सिक्लासोमा ट्राइमेकुलेटम. ये एक ऑर्नामेंटल फिश है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है. अब इनकी बॉडी अगर हम देखें तो ब्राइटली कलर्ड होती है क्योंकि इनके ऊपर काफी ज्यादा कलरफुल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. इन स्केल्स की वजह से क्या है कि इनकी बॉडी कलरफुल हो जाती है. इस वजह से हम इनको एक्वेरियम फिशेस के तौर पे रखते हैं एज एन ऑर्नामेंटल फिश. उसके अलावा इनकी हेड के ऊपर एक हम्प लाइक या हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से इनका नेम जो है वो फ्लावर हॉर्न रखा गया है. नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्नामेंटल फिशेज हैं. इसका मतलब ये है कि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती और मैन मेड हाइब्रिड्स हैं. तो इनको इनिशियली किस तरह से क्रिएट किया गया था कि मलेशिया, थाईलैंड एंड ताइवान के अंदर 1990s के अंदर इनको इनिशियली क्रिएट किया गया था थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट सिक्लासोमा स्पीशीज. केयरफुल क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई थी डिफरेंट स्पीशीज की जिसके थ्रू इनको प्रोड्यूस किया गया था. अब क्या है कि ओमनीवोरस होते हैं, हार्डी हैं, एग्रेसिव हैं और टेरिटोरियल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं. फ्लावर हॉर्न्स अगर देखें हम तो ये अपने वाइब्रेंट कलर्स की वजह से और जो इनके हेड के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं फिश हॉबीस्ट के दरमियान. नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर हॉर्न. क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करती है. फाइलम इनका कॉर्डेटा है. क्लास एक्टिनोपटरजाई है और ऑर्डर इनका पर्सीफॉर्म है. फैमिली इनकी सिक्लिडी है और जीनस इनका एम्फिलोफस जीनस है. अब चूंकि ये मैन मेड हाइब्रिड्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस करवाए गए हैं डिफरेंट सिक्लेड स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इनको प्रोड्यूस करवाया गया है. तो ये जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके अंदर ये प्रॉपरली फिट नहीं होते और इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक लीनेज के ऊपर या जेनेटिक बैकग्राउंड के ऊपर. नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो फ्लावर हॉर्न फिशेज हैं ये फेमस एक्वेरियम फिश हैं जैसे कि हमने पहले स्टडी किया. तो इनको डिफरेंट सिक्लेड स्पीशीज के साथ ब्रीड करवाया जाता है. अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी पैटर्न, कलर एंड प्रेजेंस ऑफ हम ऑन द हेड इनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिवाइड किया जाता है और इनकी डिफरेंट वराइटीज प्रोड्यूस होती हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल कैम्फा स्पीशीज हैं, जेंजू है, गोल्डन बेस है और नेकी मिक्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखें तो बॉडी शेप एंड साइज आ जाता है. एक मेच्योर फ्लावर हॉर्न फिश जो है ये ऑलमोस्ट 35-40 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है. फ्लावर हॉर्न्स के अंदर यूजुअली जो बॉडी होती है वो डीप है, कंप्रेस्ड एंड इलोंगेटेड बॉडी फॉर्म मौजूद है. उसके अलावा बॉडी फॉर्म्स के लिहाज से देखें तो डाइवर्स स्पेक्ट्रम मौजूद होता है अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल ट्रेड्स, ब्रीडिंग मेथड्स एंड जेनेटिक हेरिटेज. और इसके अलावा कॉमन जो बॉडी शेप्स फ्लावर हॉर्न के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसमें ओवल है, रेक्टेंगुलर है और हार्ड शेप है. नेक्स्ट है हमारे पास हेड स्ट्रक्चर. हेड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फ्लावर हॉर्न्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका नाम जो है वो फ्लावर हॉर्न रखा गया है. इनके अंदर हेड रीजन के अंदर हम प्रेजेंट होता है. ये हम जो है फोर हेड के रीजन में प्रेजेंट है और दोनों आईज के दरमियान प्रेजेंट होता है. इस हम की जो साइज एंड शेप होती है वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वेरी कर सकती है और ये एक ऐसा डिजायरेबल ट्रेट है जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करवाया गया है. नेक्स्ट है हमारे पास माउथ एंड फिन स्ट्रक्चर. माउथ जो है इनका लार्ज होता है एज यू कैन सी इन द डायग्राम. अपवर्ड ओरिएंटेड भी हो सकता है और डाउनवर्ड ओरिएंटेड भी हो सकता है. उसके अलावा इनके हेड के ऊपर लार्ज आईज प्रेजेंट होती हैं. फिन्स की बात करें तो फिन्स जो हैं एलोंगेटेड होते हैं और एलोंगेटेड फिन्स के अंदर डिफरेंट फिलामेंट्स और एक्सटेंशंस प्रेजेंट हो सकती हैं. जो हमारे पास डॉर्सल एंड इनर फिन है इनके अंदर जो कलर पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि फ्लावर हॉर्न की डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो डॉर्सल एंड इनर फिन्स हैं इनके अंदर कलर पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें मॉर्फोलॉजी के अंदर तो लास्ट हमारे पास आ जाता है कलर पैटर्न्स ऑफ फ्लावर हॉर्न. तो जैसे कि हमने देखा कि ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं तो इसमें वैरायटी ऑफ कलर पैटर्न्स प्रेजेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीशीज. तो मोस्ट कॉमन जो है इसमें रेड, येलो, सिल्वर और ब्राउन कलर की फिशेज प्रेजेंट होती हैं जिनकी बॉडी के ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक पैचेस मौजूद होते हैं. सबसे जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है
फ्लावर हॉर्न की, वो हमारे पास रेड ड्रैगन फ्लावर हॉर्न है। ये बेसिकली जब इमेच्योर स्टेजेस में होती है तो ये सिल्वर इन कलर होती है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है तो ब्राइटली रेड इन कलर हो जाती है। उसके अलावा कलर्स में देखें तो जो फीमेल होती है ये मेल से ज्यादा ब्राइटली कलर्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर ऑफ फ्लावर हॉर्न। फ्लावर हॉर्न की बात करें तो ये वैरायटी ऑफ फूड्स पे जो है ये फीड कर रही होती हैं, और ईच स्पॉनिंग के अंदर ये 500 एग्स ले कर रही होती हैं। अब फ्लावर हॉर्न्स जो स्पीशीज हैं इनके अंदर एक्सीलेंट पेरेंटल केयर देखी गई है, और ये क्या करते हैं कि जब मेटिंग कर चुके होते हैं तो अपने फ्राई को एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इनमें देखा गया है कि ऑलमोस्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स तक जो है अपने फ्राई की केयर करते रहते हैं। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता और खुद से अपनी केयर नहीं स्टार्ट कर देता, तब तक जो पेरेंट्स हैं वो ग्रेट पेरेंटल केयर शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन इन द एक्वेरियम। जैसे कि हमने बात की कि एक्वेरियम फिशेज हैं और इनको एज एन ऑर्नामेंटल फिशेज जो है एक्वेरियम के अंदर रखा जाता है, तो कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती हैं इनको एक्वेरियम में रखने के लिए। तो सिंगल फ्लावर हॉर्न के लिए जो मिनिमम टैंक साइज होता है ऑलमोस्ट 75 गैलन्स तक जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसमें जिसकी कैपेसिटी जो है वो 284 लीटर तक भी हो सकती है। तो जो टेम्परेचर रेंज है वो ऑलमोस्ट जो है वो 32 to 35 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। उसके अलावा पीएच रेंज की बात करें तो वो 7.4 से 8 तक यूजली एडवाइस की जाती है। ये रेंज ऐसी पीएच की रेंज होती है जो स्लाइटली अल्कलाइन वाटर कंडीशंस प्रोवाइड करती है, और जो के फ्लावर हॉर्न का जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसके अंदर भी यही पीएच रेंज रखी जाती है। और उसके अलावा जहां से फ्लावर हॉर्न के जो एंसेस्टर्स थे वो इवॉल्व हुए थे, एरिया की जो कंडीशंस थी वही सिमिलर कंडीशंस जो है वो टैंक में प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर हॉर्न। इनके अंदर क्योंकि हमने देखा कि इनकी लुक काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव लुक होती है और फैसिनेटिंग एक्टिविटी इनके अंदर मौजूद होती है डिफरेंट कलर पैटर्न्स की वजह से, तो फ्लावर हॉर्न जो है ये एक्वेरियम कीपिंग में कल्चरल वैल्यूज इनकी बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर और कंजर्वेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके अलावा इनकी ब्यूटी की वजह से जो है एक्वेरियम लवर्स जो होते हैं उनकी विजुअल एक्सपीरियंस जो है इन्हांस होता है। उसके अलावा पब्लिक डिस्प्लेज के अंदर, होम एक्वेरियम्स में और एक्वेटिक शोज के अंदर इनकी वजह से बहुत ज्यादा ब्यूटी आती है और वाइटैलिटी आती है। उसके अलावा कुछ कल्चर्स के अंदर इनको एज अ सोर्स ऑफ लक भी कंसिडर किया जाता है और पॉजिटिव एनर्जी के तौर पर भी इनको कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट ट्रेडिशनल सेरेमनीज जो हो रही होती हैं डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, उनके अंदर एज अ गिफ्ट या डेकोरेटिव आइटम्स जो है इनको डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फ्लावर हॉर्न की बात करें तो ये फिशेज जो हैं हमने देखा कि मैन मेड हाइब्रिड हैं और किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो जब इनको प्रोड्यूस करवाया गया, ये हाइब्रिड बनाया गया, तो उसके बाद उनको वाटर बॉडीज में जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये एज एन इन्वेजिव स्पीशीज जो है इनको कंसिडर किया जाने लगा। अब क्या है कि ओमनीवोरस होते हैं और जो सारे के सारे फूड टाइप मौजूद होते हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, फिशेज हैं, फ्राइज हैं या एग्स वगैरह हैं, ये उन पे फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जितनी भी स्केर्स रिसोर्सेज होती हैं उनके साथ ये जो नेटिव स्पीशीज होती हैं उनके दरमियान कंपटीशन बन जाता है फ्लावर हॉर्न और नेटिव स्पीशीज के दरमियान। और फिश जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जब किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो ये क्या है कि एज अ सोर्स ऑफ पैरासाइट या डिजीज कैरियर के तौर पे भी एक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीशी कंसिडर की जाती थी, वहां पर नेटिव तो थी नहीं, तो जब इनको किसी वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये एज अ सोर्स ऑफ कैरियर जो है वो एक्ट कर रही थी पैरासाइट्स और डिजीज के लिए। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कंटिन्यू करते हुए देखें तो इसमें क्या है कि ऐसे कंट्रीज जो इस हाइब्रिड की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया वगैरह आ जाते हैं, ये क्या करते हैं कि इन फिशेज को एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं जिसकी वजह से ये लार्ज रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक रिसर्च में देखा गया जो लेक मटानो के अंदर देखी गई है कि फ्लावर हॉर्न्स जो थे
वो एक सक्सेसफुल इन्वेजिव स्पीशीज जो है वहां पर बन गए। किस तरह के जो लेक की कोस्ट थी वहां पर उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और जितना भी लेक के अंदर एंडेमिक फौना मौजूद था जिसमें छोटी छोटी फिशेज भी थी, उनके ऊपर उन्होंने फीड करना स्टार्ट कर दिया। जब वहां पर वो फीड करते रहे तो इस वजह से जो वहां पे नेचुरल बायोडायवर्सिटी थी वो थ्रेट में आ गई, और वहां पर जो फ्लावर हॉर्न थे वो एक इनवेजिव स्पीशी बन गए, और सक्सेसफुली वहां पे उन्होंने इन्वेड कर लिया था। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के, फ्लावर हॉर्न फिश के बारे में कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फ्लावर हॉर्न जो है ये हाइब्रिड है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, तो बेसिकली इसमें दो स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं, साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स की जिसमें सिक्लासोमा स्पीशीज हैं और एम्फिलोफस स्पीशीज हैं, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है, और इसकी वजह से क्या है कि फ्लावर हॉर्न फिश प्रोड्यूस हुई। तो स्पेसिफिक जो साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स हैं ये बेसिकली एंसेस्टर्स हैं फ्लावर हॉर्न के, और इनको जो है इनका जो ट्रेड है उसका सीक्रेट रखा गया था। तो फ्लावर हॉर्न जो थी बेसिकली इसको ब्रीड करवाया गया मलेशिया के अंदर 1990s के अंदर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, और इसका ओरिजिन जो है वो उसके बारे में काफी ज्यादा स्पेकुलेशन है, और डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं कि किस तरह से फ्लावर हॉर्न की जो है वो प्रोडक्शन करवाई गई थी। अब जैसे कि हमने बात की कि इसके ओरिजिन के बारे में काफी ज्यादा स्पेकुलेशन हैं, तो इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी गई है कि इसकी ओरिजिन कैसे हुआ। बेसिकली यहाँ पर दो थ्योरीज को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट थ्योरी को अगर हम देखें तो इसके मुताबिक क्या है कि जो एक ट्राइमैक्स सिक्लिड है ए ट्राइमेक्विलेटम और एक गोल्ड फिश के दरमियान जो जीन्स थे उनको कंबाइन किया गया मलेशियन जेनेटिक्स लैब के अंदर, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली हमने फ्लावर हॉर्न सिक्लेट को प्रोड्यूस करवाया। सेकेंड अगर थ्योरी की बात करें तो ये ज्यादा लाइकली ओरिजिन उसको समझा जाता है। इसमें क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई है एक ट्राइमैक्स सिक्लेट की, और दूसरे जो है वो साउथ अमेरिकन सिक्लेट स्पीशीज हैं जिनकी आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई है। जो साउथ अमेरिकन सिक्लेट स्पीशीज इन्वॉल्व है इसके अंदर वो हमारे पास रेड हेडेड सिक्लेड है, मिडास सिक्लेड है, और उसके अलावा रेड डेविल सिक्लेड है। इन तीनों सिक्लेट्स को जब ट्राइमैक्स सिक्लेट्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई तो क्या हुआ कि फ्लावर हॉर्न फिश हमारे पास प्रोड्यूस हुई। तो ये दो बेसिक थ्योरीज हैं इसके ओरिजिन के बारे में। नेक्स्ट अगर फैक्ट्स में देखें तो फ्लावर हॉर्न स्पीशीज जो हैं ये सिक्लिड फैमिली से बिलोंग करती हैं, और सिक्लिड फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं इनके अंदर एक्सेप्शनल पेरेंटल केयर देखी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनके यंग वंस होते हैं उनका सर्वाइवल रेट हाई हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट अगर हम देखें तो ये प्रीडेटरी फिशेज हैं, जैसे कि हमने पीछे एक रिसर्च लेक मटानो की रिसर्च में देखा कि ये सक्सेसफुल इन्वेजिव स्पीशी बन गए थे, क्योंकि वहां पर जितनी भी स्मॉलर फिशेज थी ये उनके ऊपर फीड करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो स्मॉल फिशेज का नेचुरल हैबिटेट होता है उसको क्विकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वहां से इनके नेचुरल हैबिटेट को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो एशियन कंट्रीज कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहां पर मलेशिया, ताइवान एंड थाईलैंड और दूसरे एशियन कंट्रीज के अंदर कुछ कल्चर्स ऐसे भी हैं जहां पर इनको गुड फॉर्चून कंसिडर किया जाता है और साइन ऑफ वेल्थ और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट फैक्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्लावर हॉर्न की प्राइस है वो डिपेंड करती है इसके हेड के साइज के ऊपर। जैसे हमने कहा कि इसके हेड के ऊपर एक हम प्रेजेंट होता है, जितना बड़ा इसके हम का साइज होगा उतनी ही इसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू सो मच।